सरप्राइज टेस्ट ले जाए। सब मिलजुल कर चीटिंग करेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उतने मार्क्स का पेपर भी नहीं था, जो क्वेश्चन भी नहीं थे उसके भी आंसर्स लिखे तुमने। अरे संकेत, वीकेंड में तो छुट्टी थी ना, तो तुमने क्या किया? और होमवर्क भी नहीं था। हाँ टीचर ने ये अच्छा किया कि इस बार होमवर्क ही नहीं दिया था। मैंने तो इतना खेला, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत मजा किया मैंने। और बेटी तूने? अरे मैं तो नानी के घर गई थी। नानी के घर? हाँ। तूने क्या किया? अरे मैंने भी बहुत मस्ती की। हाँ, तो ऐसे दिन हर वीकेंड होना चाहिए, कुछ होमवर्क नहीं होना चाहिए। हाँ। बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। ओके ओके बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अच्छा तो मुझे बताओ क्या किया तुमने वीकेंड पे? टीचर मैं बताती हूँ। मैंने तो बहुत मस्ती की। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई भी की, मैं तो दिन रात पढ़ाई कर रही थी। और संकेत? मैं तो किताब को ऐसे ही लेके बैठा था। मैंने एक सेकंड भी ऐसे किताब को ये नहीं किया। टीचर मैंने तो पूरी बुक पढ़ ली। क्या बात है, बहुत ही होशियार स्टूडेंट है ये। यस टीचर। तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी कि आज ना तुम्हारी इंग्लिश की टीचर ना नहीं आई। क्या? यस। ज्यादा खुश मत होना। तो मैंने सोचा है कि उस फ्री लेक्चर में तुम्हारी सरप्राइज टेस्ट ली जाए। क्या? सरप्राइज टेस्ट में जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो मार्क्स फाइनल एग्जाम में काउंट होंगे, ठीक है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो जो पढ़ना है वो पढ़ लो, मैं 5 मिनट में पेपर लेके आती हूँ। क्या पढ़ना है मुझे? अब क्या करें? मुझे फेल नहीं होना। मुझे भी नहीं होना है, मम्मी बहुत मारती है। मुझे भी। अरे संकेत, इतने से टाइम में क्या पढ़ के होगा? फिर क्या करें? क्या करें? हम ना एक प्लान बनाते। हाँ। हम ना चीटिंग करते। क्या? चीटिंग? हाँ, सब मिलजुल कर चीटिंग करेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ। आइडिया तो अच्छी है। तो मैं ना वो चैप्टर 1-5 की चिट्ठी बनाती हूँ, और तू? मैं 5-10। हाँ। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करता हूँ। हाँ। मैं सो जाता हूँ। अरे ऊपर के 5 चैप्टर से वो कौन करेगा? मैं करता हूँ। करो जल्दी। हाँ। से जल्दी से करो, चलो मैं आएगी। ये लो, ये तुम्हारा आंसर पेपर, तो ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है? क्या चल रहा है? मैं देख रही हूँ कब से तुम्हें। कुछ नहीं। कुछ लिखा भी है कि नहीं पेपर में? हाँ लिख रही हूँ। क्या ऊपर क्या देख रही हो? तारे गिन रही हो? तुम्हें तारे नहीं, तुम्हें अंडे गिनने चाहिए। अंडे? क्या चल रहा है परी तुम्हारा? A for apple, B for ball. परी वो ना जब तुम किंडरगार्टन में थी ना तब पढ़ती थी, अब कुछ और लिखो। यस टीचर, यस। 15 मिनट्स लेटर। अरे बताओ ना, कोई बताओ ना मुझे। अरे बताओ ना मुझे। एक मिनट रुको, ये तू ले। क्या चल रहा है?
अरे चार लाइन तो लिखी नहीं है तुमने, पेन कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया, हो गया खत्म। कुछ नहीं टीचर, कुछ भी तो नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन लेती हो? मैं लिख रहा हूँ। One hour later. क्या गरम हो रहा है? गरम, हाँ हवा हवा उसकी हवा की ना, तुम चिंता मत करो, पेपर लिखो अपना। यस टीचर, ओके। मैम क्या हुआ? मैम सप्लीमेंट, सप्लीमेंट चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ। सप्लीमेंट? अच्छा सप्लीमेंट चाहिए, हाँ लेके आ रही हूँ, रुको। क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? थक गए हम पेपर लिख के। वही तो, मेरा तो हाथ। मैं सप्लीमेंट लेके आ रही हूँ। हाँ। मैम नहीं चाहिए। क्या अभी मुझे बोला कि सप्लीमेंट चाहिए, अभी बोल रहे नहीं चाहिए? पेपर है, पेपर है, उस पेपर है, जगह है, मुझे पता ही नहीं पीछे भी जगह है। हाँ क्या करते हो ना तुम लोग। अरे ये क्या गिर गया? क्या क्या रख? संकेत, मैंने देखा तुम अपने जगह से हिले। मैं बैठ बैठ के थक गया था, मैंने ऐसे खुद ही मारे। परी तुम ना बहुत हंस रही हो पेपर लिखते लिखते। यस टीचर, मैं ना हंसती क्यों? हां हमेशा। अरे टीचर वो खुद हंसती है और हम भी उसके ऊपर हंसते हैं। फनी फनी। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, ठीक है? हां ठीक। 15 मिनट? हां लिखो जल्दी जल्दी। अरे यो टीचर, मुझे ना जोर से सुसु आई है अभी। अरे एग्जाम से पहले करके आना चाहिए था ना। टीचर यहीं पर हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे भी जाना। क्या मुझे भी जाना? वो नहीं नहीं, मैं दोनों को साथ में नहीं भेज सकती वॉशरूम में। हाँ प्लीज ना, तुमने चीटिंग की तो। टीचर ये तो बॉयज वॉशरूम में जाएगा, मैं तो गर्ल्स वॉशरूम में जाऊंगी ना। टीचर जाने दो ना मुझे, ठीक है जा धो जा। अरे परी मेरे पास जितनी चिट थी ना मैंने तो लिख लिया। और मेरे पास जितनी चिट थी ना उसका भी मैंने आंसर लिख लिया। आगे क्या कैसे लिखे? थोड़े से क्वेश्चन बच गए, वो लगता है चिट एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मेरी चिट, ये मेरी। अरे ध्यान से तू रख, अच्छे से छुपा ले। हाँ ओके, रख रख रख। आ गए टीचर, हम आ गए। देखो सिर्फ 5 मिनट बचे। 5 मिनट? हाँ लिखो। यस टीचर, ओके टीचर। चलो टाइम्स अप, हो गया हो गया। yes, खत्म हो गया। पेपर दो अपना, पेपर दो, पेपर दो। तो वैसे तो ये पेपर जरा छोटा ही था। yes, तो बस मुझे आधा घंटा दे दो, मैं तुम्हें पेपर चेक करके देती हूँ, ठीक है? yes, ठीक है चलो। टीचर चली गई। क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे तुझे? मुझे लगता है कि 49 तो मिल ही जाएंगे। मैं तो पास हो जाऊंगा अभी। हेलो बच्चों।
तो मैंने तुम्हारे पेपर्स चेक किया। अरे तुम लोग सच में बहुत ही होशियार हो। तो मैंने क्या सोचा है कि तुम्हारे मार्क्स तुम्हें प्रिंसिपल सर बताएंगे। क्या प्रिंसिपल सर? मतलब तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले ना कि प्रिंसिपल सर भी बहुत खुश है। तो चलो चलो हम प्रिंसिपल सर के कैबिन में जाके बात। चलो चलो सर, ये देखिए होनहार बच्चे हमारे स्कूल के टॉपर्स, टीचर टॉपर्स। ये है संकेत का पेपर। यस। 50 में से 60। कांग्रेचुलेशन। ये है गुड्डी का पेपर। ओ गुड्डी। 50 में से 100। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। ये है परी का पेपर। परी का? हे भगवान, 50 में से 500। तो मैंने पेपर निकाला भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ना एक्स्ट्रा आंसर्स लिखे। तो सर कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए ना इन्हें। टीचर आप सही बोल रहे हो। एक काम करो, आप तीनों अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आओ। पेरेंट्स? पेरेंट्स के सामने आप हमारा ये करोगे? अवार्ड मिलेगा। टीचर कैरी ऑन, बताइए। वो क्या है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम कितने होशियार हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। चीटिंग करने में। चीटिंग? चीटिंग? तुम्हें क्या लगा? चीटिंग किसने की? तूने? अरे कितने बेवकूफ हो तुम लोग। उतने मार्क्स का पेपर भी नहीं था, जो क्वेश्चन भी नहीं थे उसके भी आंसर्स लिखे तुमने। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरे पीछे तुम पेपर चिपकाते हो, यहाँ से वहाँ कूदी मार के तुम पेपर लिखते हो, चिट फेंकते हो यहाँ से वहाँ। तुम मुझे समझेगा नहीं? तो सर ने कल हम स्कूल में लेंगे ही नहीं जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो तुम्हें कारनामे पेरेंट्स को लेके आना तुम। तो एग्जाम में आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आप लोग भी बिल्कुल एग्जाम में चीटिंग मत करना, ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और परीज लाइफस्टाइल के एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और हाँ, परी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बहुत ही अच्छे अच्छे हम वहाँ पे रील्स बनाते हैं। ठीक है? तो कल लेके आओगे ना पेरेंट्स को? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो।